धन्य है भक्त प्रहलाद कि जिसने सत्य के द्वारा असत्य के ऊपर विजय प्राप्त किया, वो भारत का प्रथम सत्याग्रही है। और हर वर्ष होली का उत्सव इसी प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। होली का उत्सव मतलब सत्य की विजय का उत्सव। प्रहलाद जिसने ठीक ढंग से आह्लाद प्राप्त कर लिया, उसकी याद का, उसके स्मरण का, भक्ति की विजय का उत्सव, यही होली का उत्सव है। हम होली मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, एक दूसरे के ऊपर रंग छांटते हैं, रंग लगाते हैं। बाहर के बाजार के केमिकल के रंग तो चमड़ी के लिए हानिकारक है, लेकिन केसुड़े के पुष्पों से बना गंगा जल मिश्रित रंग जीवन शक्ति बढ़ाता है, चर्म रोगों को दूर करता है, उल्लास देता है, आनंद देता है। ये रंगोत्सव है, होली का उत्सव रंगोत्सव है। भक्ति के रंग से हम अपने मन को रंग दें, भक्ति की शक्ति अपने मन में और अपने दिल में जगाएं, तो होली का उत्सव सफल माना जाएगा। होली का उत्सव की आप सभी को खूब खूब बधाइयां हो, खूब खूब बधाइयां हो, खूब खूब बधाइयां। बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारत के नौजवान केमिकल के रंगों से होली खेलते। केमिकल का रंग बहुत घातक है, चर्म रोग होते हैं। पलाश के फूल, जिसको केसुड़े के फूल भी कहते हैं, उन केसुड़े के रंगों से अगर होली खेलें, केसुड़े के पत्तों को पानी में भिगो दें, दो चार घंटा भिगोने के बाद उसको ठीक से मसल दें, पानी डाल दें, और वह जो रंग तैयार होता है वो चमड़ी के लिए हितावह है, स्वास्थ्यप्रद है, प्राकृतिक रंग है। होली का पर्व प्रहलाद की स्मृति में मनाया जाता है। संघे शक्ति कलियुगे, संगठन की शक्ति कलियुग में बहुत जबरदस्त है, तो संगठन बना लीजिए और फिर धर्मो रक्षति कीर्तनात्, धर्म की रक्षा होती है कीर्तन करने से। तो आज अधर्म बढ़ रहा है, चोरी, व्यभिचार, दुष्टता, भ्रष्टाचार, जहां देखो वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चलती ही रहती है। डॉक्टरों में गड़बड़ आए दिन के समाचार, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते। तो ये अधर्म बढ़ रहा है, तो अधर्म को रोकने के लिए और धर्म को बढ़ाने के लिए सबसे सरल, सब लोग कर सके ऐसा उपाय कोई है, वो है भगवान के नाम का संकीर्तन। आप अपने अपने ढंग से व्यक्तिगत रूप में भी कीजिए, और जब आपस में सोसाइटी में, कुटुंब में, परिवार में मिलें, 5-25 लोगों को, 50-100 लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, भगवान नाम कीर्तन कीजिए, सुध-बुध भूल जाइए और ईश्वर प्रेम में अपने मन को मस्त हो जाने दीजिए, और देखिए उसका आनंद, देखिए उसका मजा ही कुछ और होता है। धर्मो रक्षति कीर्तनात्, चैतन्य महाप्रभु की स्मृति। होली के दिन प्रहलाद को भी स्मरण करना है, चैतन्य महाप्रभु को भी स्मरण करना है कि उनके संसार में आने से भक्ति की जागृति हुई, भक्ति भाव बढ़ा, भक्ति की चेतना जगी, लोक मंगल का कार्य हुआ। सचमुच ठीक कहा, संत न होते जगत में जल मरता संसार। एक नेता जाता है तो 10 नेता उसकी कुर्सी पर बैठने के लिए हाजिर है, एक डॉक्टर जाता है तो 25 डॉक्टर हाजिर है, लेकिन एक संत संसार से अलविदा लेते हैं तो उनकी जगह भरने के लिए दूसरे संत नहीं है।
इस अवतारों की भूमि भारत में आइए हम भक्ति की स्थापना का और धर्म की रक्षा का कार्य करने वाले उन महापुरुषों के साथ होकर निमित्त बनकर अपने तन को मन को और जीवन को सफल बनाएं, सार्थक बनाएं।